यहीं से बोल यहीं से शांति शांति। शहीदी धरती गाजीपुर के हमारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, हम सभी के हरदिल अजीज साथी समाजवादी पार्टी गठबंधन के बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी भाई मन्नू अंसारी जी, समाजवादी साथी भाई अभिषेक यादव जी, संघर्षों के पर्याय भाई विकास यादव जी, यहाँ महमूदाबाद क्षेत्र की सम्मानित जनता, बहुत स्पष्ट संदेश है, यह चुनाव इस देश को जिस तरह से पूंजीपतियों के हवाले कर दिया गया है, वैसे में हमारे पुरखों द्वारा बनाए गए मुल्क को हम कैसे वापस लाएं, उसी का चुनाव है। और इस चुनाव में मन्नू अंसारी जी ने एक मेयार सेट किया है कि बगैर किसी तरह की भटकाववादी राजनीति को परश्रय देते हुए, पूरी तरह से संवैधानिक मर्यादा उसकी गरिमा में रहते हुए जनसंपर्क किया है, और आपका आशीर्वाद भी उसी तरह से इनको मिला है। माननीय अखिलेश यादव जी ने 5 साल की अपनी सरकार में जिस तरह से बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए काम किया है, वैसे में आप तुलना करेंगे इस हुकूमत की तो आप पाएंगे कि निश्चित रूप से खलावा हुआ है। और इसीलिए अखिलेश जी ने फिर से वायदा किया है कि हम जो लड़कियां हैं, खवातीन खातून हैं समाज की, उसमें भी तालीम की रोशनी पहुंचे, इसलिए पहली जमात से लेकर एमए तक की पढ़ाई उन्होंने लड़कियों की मुफ्त करने की घोषणा की। जो समाजवादी पार्टी की सरकार में कन्या विद्याधन योजना देते थे, वो 12वीं के बाद 36,001 मुफ्त राशि उसको फिर से बहाल करने का वायदा किया गया है। और साथियों, एक और उन्होंने जो बहुत बड़ा फैसला किया है, एक सरकार माने के बाद जो पहला काम करेंगे वो 11 लाख पोस्ट जो है उत्तर प्रदेश में खाली पड़े हुए हैं, और जो है बेरोजगार लोग उनको पकौड़ा तलने के लिए बोला जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है, उन किसान के बेटों का, गरीब गुरबे परिवार से निकले हुए नौजवानों का। इन्होंने कहा है कि हम 11 लाख जो खाली पद हैं उसको एक मुश्त भरने का काम करेंगे। 22 लाख नौकरियां आईटी सेक्टर में सृजित करने का काम करेंगे, और ये पकौड़ावादी मॉडल नहीं होगा, ये ढिंढोरावादी मॉडल नहीं होगा, बल्कि ठोस मुलायमवादी मॉडल और पूरी तरह से पक्की नौकरी, अस्थायी नौकरी। और इसलिए साथियों, उन्होंने ये कहा है कि आप मन्नू अंसारी जी को जिताकर यहां से लखनऊ पहुंचाएंगे तो गाजीपुर जिस बात के लिए जाना जाता है, ये तो राही मासूम रजा की धरती है, ये वीर हमीद की धरती है, ये अंसारी साहब की धरती है, जिन्होंने इस जंगे आजादी में इस देश को स्वाधीन बनाने की लड़ाई लड़ने में अपना अहम योगदान दिया है, उसी परिवार से ही आते हैं, एक विरासत है। इसलिए इनके कदमों को मजबूत करने का मतलब है कि लखनऊ में गाजीपुर की जो आवाज है वो बुलंदी से विधानसभा के अंदर आपको सुनाई पड़ेगी। उन्होंने कहा है कि महिलाओं को हम हर महकमे की नौकरी में, चाहे किसी समाज की महिला हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अकलियत हो, पसमानदा हो, अगड़ा हो, सबको 33% आरक्षण देंगे, हर विभाग में आपको 33% आरक्षण देंगे। किसानों के लिए जो छोटी जोत के किसान हैं, उन्होंने कहा है कि मुफ्त में डीएपी यूरिया हम देंगे। और हमारी सरकार जब माननीय मुलायम सिंह जी थे तो बार बार कहते थे कि दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी, रोटी कपड़ा सस्ती होगी, उसी मूल्य के साथ अखिलेश जी भी बढ़ रहे हैं। और हमें खुशी है कि अखिलेश यादव जी सिर्फ उत्तर प्रदेश के नेता बनकर नहीं रह जाएंगे, बल्कि देश पुकार रहा है अखिलेश आइए। और आज जो कभी किसानों के बेटे चौधरी चरण सिंह जी ने लाल किले से तिरंगा फहराया था, आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के लोग, देश के लोग, ममता बनर्जी आ रही है, पूरे देश दुनिया की निगाहें टिकी हुई है, तो आपके बहुत ही जहीन, बहुत शालीन, बहुत विनम्र जो नेता हैं अखिलेश जी, वो कभी ना कभी लाल किले पर चढ़कर उत्तर प्रदेश करेंगे। क्या समाज बना दिया गया, तकसीम कराया गया, भाई भाई को लड़ाया गया, कहा गया है कि एक जाति के लोगों ने सारा हकमारी कर दिया है, फर्जी झूठ,
आपको याद है जब कभी गाजीपुर के लोग, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर दहाड़ने का काम किया हो चाहे असेंबली के अंदर, लोगों ने बहुत गंभीरता के साथ सुना है। और इसलिए अखिलेश जी ने कहा कि हमारी सरकार बनने के 3 से 6 महीने के अंदर हम जातिवार जनगणना कराएंगे और हम देखेंगे कि कौन से भाई, कौन सा समाज पीछे रह गया है। किसी के खिलाफ नहीं है समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी गरीबों की, गरीबों के लिए, गरीबों द्वारा सींची गई पार्टी है। इसको कोई अडानी अंबानी के रहमो करम परिधि पार्टी नहीं चलती। यह पार्टी आपके मोहब्बत से, आपके प्यार से, आपके समर्थन से, आपके स्नेह से। और नेताजी कहते थे समाजवादी पार्टी कभी बूढ़ी नहीं होगी। उनका ऐलान होता था कि समाजवादी पार्टी बख्शिश की राजनीति नहीं करती, समाजवादी पार्टी परिवर्तन बदलाव की राजनीति करती है, समाजवादी पार्टी ऐसा समाज बनाना चाहती है जिसमें किसी को किसी की कृपा पर नहीं रहना पड़े, हर कोई अपने पैरों पर खड़ा हो। समाजवादी पार्टी चाहती है कि किसी को भी किसी के आगे हाथ पसारना न पड़े, न किसी के आगे सर झुकाना पड़े। समाजवादी पार्टी इस तरह के मुकम्मल ढंग के इंसान को पैदा करना चाहती। समाजवादी पार्टी केवल सियासी दल नहीं है, समाजवादी पार्टी एक आंदोलन का नाम है। और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आज एक आंदोलन का माहौल है कि किसानों, नौजवानों के जो दुख दर्द है उसको दूर करने का काम कैसे किया जाए। गाजीपुर जिस तरह से सामंती ताकतें एक वक्त हावी थी, देश को आजाद हुए 70-75 साल हो गए, लेकिन वोट डालने से रोका जाता था। आप याद करो कि यही अंसारी परिवार है जिन्होंने आपको, आपके लोकतांत्रिक हक को सुनिश्चित करने के लिए सबके अंदर चेतना भरने का काम किया, जागृति लाने का काम किया। और हमें पूरा यकीन है कि जिस तरह से अपनी पढ़ाई लिखाई के बाद एक मुश्तरका तहजीब को लेकर मन्नु भाई चल रहे हैं, आने वाले दिनों में नेता वही है जो सिर्फ नेतृत्व नहीं करे बल्कि नेता हुआ है जो अपने समाज के अंदर से नेतृत्व को उभारने का काम भी करे। मन्नू भाई के साथ आज हजारों नौजवान इसलिए हैं, उन हजारों नौजवानों को यह भरोसा है आज मैं कल हम भी नेता होंगे, आज मैं कल हम भी समाज को बनाने का काम करेंगे। इसलिए आप ही की पार्टी के, हमारी पार्टी के, समाजवादी पार्टी के विधान परिषद के सदस्य हैं, मकबूल शायर हैं, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के कवि हैं प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब। उनका एक शेर है कि खुशी का वादा सभी से किया गया है तो फिर, खुशी का वादा सभी से किया गया है तो फिर थोड़ी बहुत खुशी हमें भी तो मिले। खुशी का वादा सभी से किया गया है तो फिर मेरे होठों को भी तो थोड़ी खुशी मिले। तेरे चढ़ाव के बारे में मैं भी बात करूं मगर मुझे मेरे हिस्से की रोशनी तो मिले। ये आपके बीच प्रत्याशी बनकर आए और ठीक ही कह रहे थे, आज हमारे उम्मीदवार हैं, 10 तारीख को इस इलाके के ये विधायक होंगे और आपकी आकांक्षाओं पर खड़े उतरने का पूरी तरह से काम करेंगे। मन्नू अंसारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुछ मुझे नहीं कहना है, तो इसी बात को याद रखना है, 7 तारीख को साइकिल के निशान पर जाकर बटन दबाना है। और इस बात को हर जनसभा में हम लोग दोहरा रहे हैं कि जो बुजुर्ग लोगों को उनके घर में ही पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करने की जो एक बात की है इस मौजूदा सरकार ने, वो बहुत बड़ा घपला है। इसलिए सारे लोग सतर्क हैं कि नहीं भाई, हम जाके बूथ पर अपना वोट डालेंगे ताकि काउंटिंग हॉल में कोई गड़बड़ी नहीं हो। आप सभी नौजवान साथी अपने घर के बुजुर्गों को, जो शारीरिक रूप से थोड़े से चल पाने में जिनको मुश्किल हो रही है, उनको लेके जाएंगे और पूरी ताकत के साथ, चाहे वो शहीद हुए किसान परिवार हैं जिनको 25-25 लाख रुपये देने की घोषणा की है, चाहे जो साढ़ों से चढ़ लिया गया खेत है जिसमें किसानों की मेहनत लगी हुई रहती है, जैसे बच्चा कैसे छोटे से बड़ा होता है उसको देखकर उसके माता पिता पुलकित होते हैं, वैसे ही अपनी ही लगाई गई फसल को कोई आके चढ़ जाए, कोई बर्बाद कर दे, उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य न मिले, तो इसलिए हर फसल पर, सिर्फ गेहूं धान मकई नहीं, आलू पर, सब पर MSP देने की गारंटी की घोषणा की है। जो शहरी क्षेत्र के बेरोजगार है उनको मनरेगा की तरह अर्बन एम्प्लॉयमेंट एक्ट बनाकर उनको भी नौकरियां देने का वायदा है। और इतना ही नहीं, 15 दिन के अंदर गन्ना किसानों की जो भी उनका बकाया है उनको, और 2025 तक उत्तर प्रदेश में एक भी किसान पर कोई कर्जा नहीं होगा, ऋण मुक्ति कानून बनाकर उनको कर्ज मुक्त करने का काम समाजवादी सरकार करेगी। समाजवादी थाली 10 रुपये में, कोई भूख से नहीं मरे इस सूबे में। समाजवादी किराना स्टोर, समाजवादी
तरीके से काम हो, पूंजीपति के लिए हमारी योजनाएं नहीं हो, इसलिए देश को अडानियों अंबानियों से बचाने के लिए, इस देश के किसानों की हुकूमत को वापस लाने के लिए अखिलेश जी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोग अखिलेश जी पर भरोसा करके माननीय मन्नू अंसारी जी को यहां से विधायक बनाने का काम करें और गाजीपुर को फिर से उसी सांस्कृतिक चेतना के केंद्र के रूप में विकसित करें, उसी राजनैतिक रूप से सशक्त इलाके के रूप में। गाजीपुर कुछ बोले तो उत्तर प्रदेश सुने, इसी उम्मीद और यकीन के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं। भाई मन्नू अंसारी जी के लिए आप लोग पूरी बुलंदी, पूरी ताकत, पूरी एकता के साथ काम करेंगे और जब तक चुनाव परिणाम नहीं आ जाए तो स्ट्रॉन्ग रूम की हिफाजत के लिए यहाँ के नौजवान रहेंगे डटे हुए। किसी भी सूरत में मन्नू अंसारी जी को यहाँ से भारी बहुमत से जीता कर लखनऊ भेजना है ताकि आने वाले 40 सालों तक ये आपकी रहनुमाई कर सके। आपका बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, मन्नू अंसारी जिंदाबाद, साइकिल छाप जिंदाबाद।